और आप इनका फुंकार को भी सुन सकते हैं, काफी गुस्सा में और काफी एक्टिव है। और आप देख सकते हैं कितना गुस्सा में है ये सांप, क्योंकि हम इनके जगह से भले ही इनके भलाई के लिए निकाले हैं, पर इनको लग रहा होगा कि अब मार दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग शर्त मित्र हैं और हम लोग इनको मार नहीं सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और दोस्तों जैसे जैसे आप सब स्वागत है आपको हमारा तालीम प्रेसक्स और यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यही तीन सांप है जिसको लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो दोस्तों कारण यह है कि कहीं कहीं अंधविश्वास है तो कहीं कहीं आस्था है, कहीं कहीं भक्ति है, तो बहुत तरह की बात होता है। तो दोस्तों इस सांप जो है पानी टंकी के अंदर घुसा हुआ था, तो वहाँ कोई बाबा थे और गाँव के लोग भी थे, तो उन लोगों का कहना था कि नाग बाबा आए हुए हैं, दोनों नाग नागिन दोनों हैं, तो हमारे लिए भगवान बन के आए हुए हैं। तो पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, वो तो हमें नहीं पता है। तो उनका कहना था कि इसको नहीं जाने देंगे और महायज्ञ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि यदि महायज्ञ तक हम इनको छोड़ देंगे तो ये तो अपना मर जाएंगे, तो फिर किसी जीव को मरना भी बेकार है। तो काफ़ी मुशक्कत के बाद मुखिया सरपंच क्या क्या करना पड़ा, उसके बाद वो लोग आए बताए कि इनको ले जाने दीजिए, तो फिर हम लोगों ने मेहनत करके रेस्क्यू कर लिया। तो दोस्तों आ गए हैं जंगल में, घर से काफ़ी दूरी पर आए हुए हैं, तो चारों तरफ जंगल है और इनको यहाँ छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। आराम से अपना असियाना बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो है हमारे ही साथ रहते हैं, कभी कैमरामैन बन जाते हैं तो कभी सपोर्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों हम इनको सांप से बहुत दूरी बना करके रहने के लिए बोलते हैं और अपना सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इनका भी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो चलिए, और नेक्स्ट जो हमारे कैमरामैन है तो आपको हम उनका चेहरा दिखा देते हैं। ऑन कर लिए वीडियो। तो दोस्तों ये हमारे कैमरामैन है, आप देख सकते हैं, और ये भी हमारे साथ एनी टाइम वर्क पे रहते हैं, किसी कारणवश नहीं आए तो नहीं आए, वो अलग की बात है। तो बहुत सारे हमारे टीम के सदस्य हैं जो 24 आवर तक अपना मेहनत करते रहते हैं, जीव को बचाने का अभियान जो हम लोग चलाए हैं उन सभी में इनका सपोर्ट रहता है। तो चलिए हम इन सांप को जंगल में छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो सांप है ये आपको पानी वाला सांप हो गया, आप देख सकते हैं, ये नॉन वेनमस स्नेक है, हमने पहले ही बता दिया है, इसमें कोई विष नहीं होता है, पर बाइट बहुत तेजी से करता है, तो इसलिए कभी भी चाहे नॉन वेनमस हो या वेनमस स्नेक हो, बच के तो हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉन वेनमस स्नेक है तो आप इसे कटवा लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं काफी आक्रामक रूप होता है इनका, देख सकते हैं आप। चलिए हम इनको जंगल में छोड़ देते हैं, ये अपना चले जाएंगे। दोस्तों अब ये जो दो स्नेक है, ये वाले नाग है और ये वाले नागिन है, तो दोस्तों हम इनको भी छोड़ देते हैं। तो ये काफी आक्रामक और गुस्सा में है, एक उपाय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम इस स्नेक को छोड़ते हैं। और आप इनका फुंकार को भी सुन सकते हैं, काफी गुस्सा में और काफी एक्टिव है, और आप देख सकते हैं कितना गुस्सा में है ये सांप, क्योंकि हम इनके जगह से भले ही इनके भलाई के लिए निकाले हैं, पर इनको लग रहा होगा कि अब मार दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग शर्त मित्र हैं
और हम लोग इनको मार नहीं सकते हैं, तो आप देख सकते हैं और दोस्तों जैसे जैसे हम लोग मूवमेंट करेंगे उसी हिसाब से ये भी अपना मूवमेंट करेंगे। और सर करीब आइए सुधीर भाई, और करीब आइए, देख सकते हैं आप। बैठो तो आप देख सकते हैं, और इनको लग रहा है कि थोड़ा ठंडा भी लग गया है, तो चलिए हम इनको छोड़ देते हैं जंगल में। चलिए चलिए दोस्तों, ये वाला जो स्नैक है, ये वाला कोबरा स्नैक है, तो ये भी काफ़ी बिग साइज का स्नैक है। तो चलिए दोस्तों हम इनको भी हम जंगल में छोड़ देते हैं। दोस्तों ये चलेगा है और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये पहले से ही बहुत दिन से गिरे हुए थे, इसलिए हमने ज़्यादा परेशान नहीं किया है। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।